नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम खुशबू है एंड वेलकम टू माय चैनल माय गार्डन सेंटर लाइफ। आज जो आप ये प्यारा सा फ्लावर देख रहे हैं, इसको हम लैंड लोटस या फिर स्थल कमल या स्थल पद्मा के नाम से जानते हैं, और इसको हम कॉन्फिडरेट रोज़ या फिर कॉटन रोज़ भी बोलते हैं। ये एक चाइनीज़ ओरिजिन का प्लांट है जो कॉटन फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस म्यूटेबिलिस होता है। तो अब आप सोचेंगे कि देन हम इसको कॉन्फिडरेट रोज़ क्यों बोलते हैं, तो इस वजह से क्योंकि जो कॉन्फिडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है इसीलिए। और इसकी दो वैरायटीज़ होती हैं, एक देसी वैरायटी होती है जिसकी हाइट काफ़ी लंबी चली जाती है, और उसको प्रून करके और कटिंग करके मेंटेन किया जाता है गमलों में, और दूसरी है ये ड्वार्फ वाली वैरायटी जिसमें छोटे में ही काफ़ी सारे फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये दो टाइप की होती हैं, एक सिंगल पेटल होती है जो कि ये वाली वैरायटी है, और एक डबल पेटल होती है जिसमें काफ़ी भरा भरा सा फ्लावर आता है, और जो कि बोलते हैं कि ये फ्लावर कलर चेंज करता है अपना दिन में 2 से 3 बार। तो वो कलर चेंज वो डबल पेटल वाली वैरायटी में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, सिंगल पेटल में नहीं होता। और ये जो इसका फ्लावर होता है ये हिबिस्कस जितना ही होता है इसके फ्लावर का साइज़, और ब्लूम करने के एक दिन तक ये अच्छा चलता है, पूरे दिन अच्छे से खिला हुआ रहता है, और ये सितंबर से लेके पूरे विंटर्स में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। बट आजकल तो नर्सरी में काफ़ी इसकी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जो साल भर तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर लेती हैं। और ये तो हो गई इस पौधे के बारे में कुछ जानकारी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी केयर की कि इसकी केयर कैसे करें। तो आज हम इसकी केयर में बात करेंगे इसकी सनलाइट की, वॉटरिंग की, सोइल की, फर्टिलाइज़र की, और कोई इस पे पेस्ट अटैक होता है या नहीं, कोई बीमारी लगती है या नहीं, उस बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं अभी सनलाइट से। तो ये एक परमानेंट प्लांट है जिसके फ्लावर्स को ब्लूम करने के लिए अच्छे से 6 से 7 घंटे की सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। जो सनलाइट है वो इसकी मेन रिक्वायरमेंट है इस प्लांट की ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो सनलाइट काफ़ी अच्छी चाहिए इस प्लांट को। अगर सनलाइट अच्छे से नहीं मिलेगी तो जो इसके फ्लावर्स का साइज़ है वो अच्छे से उभर कर नहीं आएगा, और जो बर्ड्स हैं प्लांट में वो भी इतनी क्वांटिटी में नहीं आएंगे। तो इसका फ्लावर का साइज़ और बर्ड्स की क्वांटिटी दोनों ही डिक्रीज़ हो जाएंगी अगर सनलाइट अच्छे से नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ इसकी सनलाइट का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं इसकी वॉटरिंग की। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे अंडर वॉटरिंग हो या फिर ओवर वॉटरिंग हो, जो इसके बर्ड्स होते हैं वो ड्रॉप कर जाएंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें इसको तभी पानी देना है तब इसकी मिट्टी हमें सूखी हुई दिखे, मतलब कम्प्लीटली सूखी हुई नहीं हो, हल्की हल्की मॉइस्ट हो, तब हमें इसमें पानी देना है। कम्प्लीटली ड्राई आउट नहीं करना है इसकी सोइल को पानी देने से पहले, हल्की हल्की मॉइस्ट होएगी मिट्टी तभी पानी दे देना है। इससे जो आपका पौधा है वो काफ़ी खुश रहेगा, हरा भरा रहेगा और स्ट्रेस में नहीं जाएगा। तो ये हो गई इसकी वॉटरिंग की बात। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सोइल की। तो इसका सोइल मिक्स बनाने के लिए आपको 50% गार्डन सोइल लेना है, 30% जो रिवर सैंड होता है वो लेना है, और 20% वर्मी कंपोस्ट लेना है। उसमें आपको 2 से 3 चम्मच नीम की खली ऐड कर लेनी है। नीम की खली काफ़ी अच्छी जो फर्टिलाइज़र है उसका काम करती है, और काफ़ी अच्छा फंजीसाइड भी होता है। तो ये दोनों ही काम करेगी और काफ़ी अच्छा होता है प्लांट के लिए। और उसमें थोड़ी सी बोन मील ऐड कर ले, और 6 से 7 ग्रैन्यूल्स TAP के ऐड कर ले, तो ये आपका एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग मिक्स बन जाएगा इस फ्लावर के लिए, और आपका फ्लावर काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करेगा प्लांट। तो ये हो गया इसके पोटिंग मिक्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो इसको पोटैश दें आप, पोटैश इसकी फ्लावरिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है प्लांट की। और अगर आप पोटैश नहीं देना चाहते हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो होममेड बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है वो भी दे सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपको जो बनाना पील होती हैं उनको 1/2 लीटर पानी में 2 से 3 दिन तक सेमी शेड एरिया में रखना है। फिर उसको आप उस पानी को आपको छान के हल्का सा डाइल्यूट करके वो दे देना है, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके प्लांट के लिए।
और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी उससे। और मंथ में आप एक बार वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और उसमें आप 4 से 5 ग्रैन्यूल्स TAP के डाल के दे सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी आपके प्लांट पर। अब बात कर लेते हैं कि इस पे किसी तरीके की बीमारी या पेस्ट अटैक या ऐसा कुछ होता तो नहीं है। तो इस पे पेस्ट अटैक होता है, इस पे मिली बग्स लग जाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको 15 दिन का साइकिल ले लेना है। 15 दिन में इस पे एक बार आप जो साफ का फंजीसाइड आता है वो स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम आप 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके उसको स्प्रे कर दें इसके लीव्स पे, या फिर आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी सेम क्वांटिटी में 1 ml आप ले लें 1 लीटर पानी में और वो स्प्रे कर दें, तो इससे आपका पौधा है वो ग्रीन भी बना रहेगा और किसी टाइप का फंगस या फिर पेस्ट का अटैक भी नहीं होगा, तो काफ़ी हरा भरा बना रहेगा आपका प्लांट और काफ़ी खुश रहेगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जो नीम होता है उसके पत्ते लेके आप उनको अच्छे से बॉईल कर लें, फिर उस पानी में उतना ही सादा पानी डाइल्यूट करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी हेल्दी बना रहेगा आपका पौधा। सो यही कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस पौधे को लंबे समय तक अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पक्का ही आपके गार्डन की शोभा ज़रूर बढ़ाएगा ये प्लांट। सो आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।